वेलकम गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस वीडियो इज माय फर्स्ट वीडियो, सो आई हैव ऑर्डर्ड माय इनफोकस अमेरिकन इन एवरी वे एपिक वन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्ट्स हियर। इट हैज एन 5.5 फुल एचडी डिस्प्ले, डायनामिक ऑटो फोकस, दैट इज 16 मेगापिक्सल कैमरा एंड 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 10 कोर प्रोसेसर, फ्लैगशिप परफॉर्मेंस एंड 3GB रैम एंड 32GB रोम, 3000 बैटरी इज मच मोर नॉट बेटर बट इट्स गुड, फिंगरप्रिंट सेंसर अनलॉक्स इन फर्स्ट सेकेंड्स एंड 4G एंड्रॉइड मार्शमेलो। सो नाउ बारी फोन कॉस्ट इज 12,999। आई ऑर्डर इट फ्रॉम amazon.in इंडियन कंपनी, सो लेट्स सी दी इनफोकस अमेरिकन कंपनी। दिस इज द मोबाइल एज यू नो। इन दी एसेसरीज वी गेट इनफोकस मिल रहा है आपको, इनफोकस का स्टार्टर गाइड और ये इनफोकस का चार्जर है, काफ़ी अच्छा है। आउटपुट इसका 5 वोल्ट है और 2 एमपीपीआर है, अच्छा है वैसे तो 5 एमपीपीआर। एंड इसका कॉर्ड भी अच्छा, पैकिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका। और ईयरफोन्स तो ऐसे सादी है पर ठीक है, चलता है। नाउ अभी अपन आ जाते हैं अपने मोबाइल के पास, जो अच्छा दिख रहा है, अच्छा बिल्ड दिख रहा है, अच्छा क्वालिटी का भी दिख रहा है और स्लिम भी है काफ़ी, और ऐसा गोल्डिश फिनिश बहुत अच्छा लुक दे रहा है हाथ में, ऐसा एक हाथ पे पकड़ने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन फोकस पावर बाय एंड्रॉइड। इसके स्पीकर्स भी नीचे है, इसके लिए कोई ऐसा तकलीफ नहीं है क्योंकि स्पीकर ऐसा नीचे रखते हैं तो इधर से आवाज आता है। इन लाइफ कीप योर लाइफ इन फोकस, वाओ वेरी एक्साइटेड। सब तो वेल बिल्ड है, मेटलिश फिनिश है, रेडमी जैसा ही दिखता है रेडमी नोट 3, बट रेडमी नोट 3 से भी बहुत अच्छा इसका बिल्ड है, लुक्स बेटर। स्किप करते हैं अभी फिलहाल के लिए, ये भी स्किप करते हैं। ओहो योर फोन वोंट हैव ए इंटर कनेक्शन, यू वोंट गेट फेसबुक अपडेट्स, स्किप एनीवे। ओके ये आपने कोलकाता दिया उसमें, ठीक है कोलकाता में। नेक्स्ट फर्स्ट नेम डिनाइड, जस्ट फटाफट से कर लेते हैं स्टार्टअप गाइड। सेटअप फिंगरप्रिंट रख देते हैं, इसका मतलब समझ में आए। सेटअप सीन लॉक जस्ट वंस, पैटर्न रखते हैं कुछ तो, काफी टच भी इसका बहुत स्मूथ लगा मुझे। ये फिंगरप्रिंट ले रहा हो, नेक्स्ट अप एंड डाउन कर रहा हो तो फटाफट हो जाता है, हर एंगल से लेना पड़ेगा। ओके डन, यस नेक्स्ट नेक्स्ट। सॉफ्ट की डिस्प्ले आपको चाहिए रहेगा तो आप कर सकते हैं, इट्स ओके डन। ये अच्छा है साइड से ये वाला, ओके दिस इज बेटर आई गेस, दिस इज बेटर। यू आर रेडी टू गो फिनिश, वाओ डिस्प्ले HD पूरे, कौन सा भी एंगल से कोई तकलीफ तो नहीं दिखाई दे रही है, अच्छा मॉडल लग रहा, टच भी अच्छा है इसका। ओके एक्स की
देखते हैं कि पावर फटाफट अनलॉक कर पाता कि नहीं। कर दिया उसने, अच्छा ये था। अभी हम देखते हैं कि कैमरा कैसा है उसका। कैमरा की कहाँ, कैमरा की क्वालिटी भी बहुत अच्छी दिख रही है। ये कुछ फोटो निकाले हैं मैंने अभी। फिर देखो क्लियर, बहुत अच्छी क्लियर दे रही है। और इसका फेस कैमरा भी अच्छा है काफी। फेस कैमरा भी बहुत अच्छा है, क्लियरिटी तो दे रही है ऐसे तो। और इसके अपन देखते हैं कि कौन सा वर्जन लिखा रहा है अबाउट फोन। एंड्रॉइड वर्जन है 6 मार्शमेलो है। एंड्रॉइड 6 लेटेस्ट तो नहीं है बट है, अच्छा है अभी के फिलहाल तो। रैम भी मेरे को अच्छा दिख रहा है, ऐसा कुछ लैग तो नहीं हो रहा है। एक्चुअली तो नया मोबाइल कुछ लैग तो होता ही नहीं है बट मुझे अच्छा लगा ये। ऐसा बोलते हैं कि 13,000 में अच्छा बजट फ़ोन है। इसकी साउंड क्वालिटी भी मैं देखूंगा एक बार, बहुत अच्छा मॉडल है। आपको 13,000 में अप्रोक्सीमेटली कभी ऐसा अच्छा मॉडल नहीं मिला। मैंने देखा कि मोटो जी 4 प्लस को भी कंपेयर करके, बट मेरे को ये अच्छा लगा मोबाइल। ये बहुत बजट फ़ोन है एज कम्पेयर टू अदर फोन्स। और इसका इनफोकस इज एन अमेरिकन कंपनी, सो ये बहुत अच्छा बजट फ़ोन है। आई वुड लाइकली टू सजेस्ट यू कि ये मोबाइल आप लीजिए, बहुत अच्छा है। सो लेट्स सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। और मैं एक कैमरा भी रिव्यू के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक पे सब्सक्राइब करना, और लाइक पे बटन पे क्लिक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।